हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि कल्चर की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 6 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरुआत करेंगे कुछ पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है राजा पर्व फेस्टिवल। क्या है राजा पर्व फेस्टिवल? ये एक 3 दिनों का फेस्टिवल है, काफ़ी यूनिक है, उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? जब मॉनसून की शुरुआत होती है ना, वर्षा का जो सीज़न है जब वो आता है, और जब यहाँ पे अर्थ वुमेनहुड किसे कहते हैं ना, तो जब इसकी शुरुआत होती है तब इसे मनाते हैं। और ये धरती माता के लिए रिस्पेक्ट के लिए है ना, क्योंकि उनके मेंस्ट्रुएशन डेज के टाइम पे इसको मनाते हैं। सारे ही जो एग्रीकल्चर के काम होते हैं जैसे प्लाइंग करना या बीज बोना, सोइंग करना, ये सब 3 दिनों के लिए ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि उनका ये मेंस्ट्रुएशन डेज चल रहे हैं, उनके पीरियड्स के टाइम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कहता है नौखाई जुहार। नौखाई जुहार क्या है? ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, तो जो न्यू क्रॉप सीजन है ना उसको वेलकम करने के लिए इसे मनाते हैं कि आओ भाई आओ, वाह भाई वाह, नया नया सीज़न, नया बीज बोएंगे, सब कुछ नया होगा। इसे नौखाई पर्व भी बोलते हैं या नौखाई भेद घाट भी बोलते हैं, और इसको उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, आसपास की और जो स्टेट्स हैं वहाँ वहाँ मनाया जाता है। देखिए नौखाई, इसमें यहाँ पे 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है जिसे नौखाई बना है ना। तो इसमें क्या है, ईटिंग ऑफ राइस जिसे नोआ बोलते हैं, इसका मतलब न्यू, और खाई का मतलब होता है ईट, तो ईटिंग ऑफ राइस इसीलिए बोलते हैं नोआ खाई, समझ गए। थर्ड आता है लॉर्ड जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो रथ यात्रा तो आप जानते हैं कि बहुत फेमस है लॉर्ड जगन्नाथ की, और ये एक हर साल होने वाली यात्रा है, और जो ये एनुअल सेरेमोनियल प्रोसेशन है लॉर्ड जगन्नाथ, उनके बड़े वाले जो भाई जिनका नाम बालभद्र था और जो उनकी यंगर सिस्टर थी सुभद्रा, तो इनके उस पे निकालते हैं लोग है ना, अपने घर से, मतलब जो होम टेंपल होता है वहाँ से लेके दूसरे टेंपल तक इसको लेके जाते हैं, है ना। फ्रॉम देयर होम टेंपल टू अनदर टेंपल लोकेटेड इन व्हाट इज बिलीव टू बी देयर आंट होम, है ना। ऐसा मानते हैं कि भाई ये इनकी आंट का होम था, यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। अब ये जो जगन्नाथ के मंदिर जो हैं, जगन्नाथ टेम्पल जो है, ये स्कल्प पता है किसके द्वारा किया गया था? किया गया था आनंद वर्मन छोड़ गंगा के द्वारा, एक रूलर थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के 11th सेंचुरी में। देखिए जितना भी मैं बता रही हूँ ना, ये सब कुछ उड़ीसा के अंदर है, क्लियर है। फिर आती है बात चैत्र जत्र की। तो ये एक एनुअल मतलब हर साल मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जिसे तार तरिणी हिल श्रीन में ऑर्गेनाइज करा जाता है। अब ये जो श्रीन है ये आपको कुमारी हिल पे मिलेगी उड़ीसा में, ऑन द बैंक्स ऑफ ऋषि कुलिया रिवर। मेजर सेंटर शक्ति वर्शिप का है ना, माता का। उसके बाद उड़ीसा के अंदर जो ये आखिरी है वो है भाई विष्णु सेंद्र पर्व। ये क्या है? देखो भाई हर साल हंटिंग फेस्टिवल मनाते हैं, ट्राइबल्स के द्वारा बनाया जाता है ये, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के। और ये रिपोर्ट करा गया था पहली दफ़ा, नॉट अ सिंगल एनिमल वॉज किल्ड इन झारखंड ऑन विष्णु सेंद्र पर्व। अब ये इट वॉज रिपोर्टेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी जानवर को नहीं मारा गया झारखंड में विष्णु सेंद्र पर्व में। फिर हमने उड़ीसा कंप्लीट कर लिया, अब हम केरला की बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है थ्रिसूर पूरम। तो थ्रिसूर पूरम क्या है? ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है केरला का, मतलब 200 साल से तो ट्रेडिशन के तौर पे चला ही आ रहा है। अब होता क्या है कि जब हार्वेस्ट ख़त्म हो जाती है, पोस्ट हार्वेस्ट होता है, उस टाइम पे ये फेस्टिवल मनाते हैं, तो इसको पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल बोल दिया। ये मलयालम मंथ जो कि आपका मेदोम का है, मतलब आपका अप्रैल से मई के बीच में जो पड़ता है, ये उस समय इसको जो है सेलिब्रेट करा जाता है, ये आपका थ्रिसूर के में है ना। और ये जो है वो शुरुआत किया गया था, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो संगथंग थंपुरम के द्वारा की गई थी, जो पहले के रूलर थे ना कोची के, उनके उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फेस्टिवल जो है ये कुछ इवेंट्स रिलेटेड है जो कि आपका जो
वादा कुंभनाथ टेम्पल थिसूर के अंदर होते हैं, तो उनसे ही रिलेटेड ये भी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, वो है आपका थम्बी महोत सावम 2020। ये फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फायर फेस्टिवल है जो कि केरला के अंदर मनाते हैं, और ये पंटालू इसका ऑफिशियल मैस्कट है फेस्टिवल का, और ये पार्ट है नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का जिसे WWF इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी एंड एसोसिएशन, मतलब इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी वगैरह ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा है। एसोसिएशन इसमें किसका है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ICUN का CEC का है, तो काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2018 में स्टार्ट हुई थी इसकी, ताकि लोगों को, पब्लिक को एजुकेट करें, बता सकें, है ना, कि ड्रैगन फ्लाइज का बहुत ज़्यादा रोल होता है ना, और फ्रॉम देयर लेसर नॉन सिबलिंग्स डैम सेल्फीज, है ना, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं ये सारी की सारी ड्रैगन फ्लाइज और इनकी ये सारी की सारी जो सिबलिंग्स कह लो, है ना, भाई बहन। अब देखो भाई, नेक्स्ट आता है मलयालम न्यू ईयर। तो मलयालम न्यू ईयर क्या है, फर्स्ट डे जो कि चिंगम मंथ का है मलयालम कैलेंडर में, इसे न्यू ईयर डे मानते हैं, इसे पुथु वर्षम भी बोलते हैं। और उसके बाद आखिरी में आता है मकार विलाकू फेस्टिवल। अब ये जो मकार विलाकू फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत सबरी माला से होती है। ये हर साल मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जो कि मकर संक्रांति में सबरीमाला टेंपल जो है ना केरला के अंदर, अभी इसका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर वगैरह आया था, काफ़ी फेमस रहा था, यहाँ पे ये मनाते हैं, है ना। फेस्टिवल के अंदर आपका थिरुवभारनम, ठीक है, इसे मतलब सैक्रेड ऑर्नामेंट्स है ना लॉर्ड अयप्पा के, और जो ये क्या होते हैं इसके अंदर, ये इसका प्रोसेशन होता है, मतलब कॉन्ग्रीगेशन होता है एट द हिल श्रीन ऑफ सबरीमाला, ये सब मतलब पहनाते बनाते हैं इनको, लॉर्ड अयप्पा हैं वहाँ पे ना सबरीमाला में, तो इसके अंदर ये होता है। थोड़ा सा ना साउथ के नाम है तो बहुत ही टफ से होते हैं, तो सॉरी फॉर माय प्रोनंसिएशन, अगर किसी को मतलब कुछ है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, थोड़ी सी भी अगर प्रोनंसिएशन की प्रॉब्लम हुई है तो। खैर, असम की बात करते हैं। असम में अंबुबाची मेला लगता है और हर साल न्यूज़ में रहने वाला है ये, हर साल कामाख्या टेंपल में लगाते हैं, है ना, ये आपका टॉप है नीलांचल हिल्स गुवाहाटी के असम के अंदर और बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र के। देवी कामाख्या को यहाँ पे इनकी पूजा होती है एज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, और कामाख्या टेंपल ये 51 जो शक्तिपीठ है ना, 51 जो शक्तिपीठ है हिंदूज में, उसमें से एक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदू ट्रेडिशन शक्तिमिज्म के, और पूरे इंडिया के अंदर बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान चाइना श्रीलंका में जो फैली हुई है सारी, उसमें से एक कामाख्या काफ़ी फेमस है। फिर हम बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में लगता है अषधि बीज। ये जो शुरुआत होती है ना, बारिश आती है ना जब, तो बिगनिंग ऑफ रेन जो कच्छ गुजरात के अंदर है इससे एसोसिएटेड है, तो कच्छी जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो इसको अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं अषधि बीज में, ठीक है। फिर नागालैंड की बात करें तो ना हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, बड़ा फेमस है, बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है ना, जो इंडिजीनियस वॉरियर ट्राइब्स हैं नागालैंड की, और इसे हर साल जो दिसंबर का पहला हफ्ता होता है ना, फर्स्ट वीक होता है ना, तब मनाते हैं। एम ये होता है कि हम जो हमारा रिच कल्चर है नागालैंड का, उसे फिर से रिवाइव करें, प्रोटेक्ट करें, दिखाएं अपना जो भाई ट्रेडिशंस हैं उनके। फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल पर रखा गया है, क्यों, क्योंकि हॉर्नबिल एक बहुत ज़्यादा पुरानी वेटनेटेड बर्ड स्पीशी स्टेट की, जिसकी इंपॉर्टेंस दिखती है ना कई सारे ट्राइबल कल्चर एक्सप्रेशंस में, सॉन्ग्स में, डांसेस में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, संकल्प पर्व की बात करेंगे। देखो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे संकल्प पर्व को मनाएगी 28 जून से 12 जुलाई 2020, अब तो पहले हो चुका ना। इसके अंदर मिनिस्ट्री ने यहाँ पे सारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, एकेडमिक्स और अटैच इंस्टीट्यूशंस, एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे इसके अंदर होंगे, ताकि प्लांट करेंगे ट्रीज अपने कैंपस में, पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है, आसपास में जहाँ हो सकेगा वहाँ लगाएंगे, और 5 जो है ट्रीज को रिकमेंड करा गया है लगाने के लिए। एक तो है आपका बरगद का, एक है आंवला, एक है पीपल का, एक है अशोक और एक है बेल, है ना, तो ये सब, ये 5 पेड़ों को लगाने की बात कही गई है। फिर आता है धर्म चक्र डे, मतलब असाध
पूर्णिमा, ये क्या है असद पूर्णिमा? देखो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, ये असद पूर्णिमा को 4 जुलाई 2020 को मनाई धर्म चक्र दिन के तौर पे, डे के तौर पे। देखिए ये कमेमोरेट क्या करता है मालूम है, क्यों मनाया गया? बुद्धा के पहला सर्मन हुआ था ऐसा, इसके इनके पहले जो 5 एसेटिक डिसिपल्स थे उनके प्रति, डियर पार्क में आप जानते हैं इनका पहला सर्मन हुआ था। और तो इसके लिए यहाँ पे है ये जो सी पटना, ये जो प्रेजेंट डे सारनाथ है ना आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास, तो यहीं पे हुआ था। तो इसी को कमेमोरेट करने के लिए इसे बनाया गया धर्मचक्र डे को। अब जो ये बुद्धिस्ट होते हैं ना, बुद्धिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं एज अ डे ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। ये तो आप जानते हैं ना कि काफ़ी फेमस है, एशियंट हिस्ट्री वगैरह में हमने पढ़ा भी है। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के तौर पे भी बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों मनाते हैं एज अ डे टू मार्क रिवरेंस ऑफ टू देयर गुरुज। फिर बात आती है पर्युषण पर्व की। अब इसमें क्या है पर्युषण पर्व में, देखिए ये एक हर साल मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जैन रिलीजन का, और ये मनाया जाता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए, खुद को और ज़्यादा ईश्वर की तरफ लेके जाना, खुद को साफ करना। तो जैन्स जो है इस दिन व्रत रखते हैं, है ना, इसे कहते हैं कि भाई अगर व्रत रखोगे तो इससे तुम्हारे कर्मा जो गलत कर्म हैं वो ख़त्म होंगे। मदद करता है ये डिसिप्लिन में, सेल्फ कंट्रोल में, पेशेंस में, है ना, माफ़ी में, फॉरगिवनेस में, रिपेंटेंस में। फिर आता है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। ये हर साल मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं। उद्देश्य ये है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन को दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री तक यहाँ पे लेके जाएं, मतलब इन्हें और करीब लाएं और ज़्यादा हमारे देश में सब मिलजुल के काम करें। क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है वो एकदम बाकी सारे इंडिया से पड़ जाता है अलग, है ना, तो ये कुछ एक मामला है, तो इसलिए इसको यहाँ पे अटैच करने के लिए बात है। इस साल क्या है कि थीम ये रहा द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। अब नेक्स्ट देख सकते हैं थोड़ा सा हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इंडिया के अंदर जो मनाए जाते हैं। एक है शिशूर संक्रांत, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। उसके बाद माघी है ना, लोहरी कह लो आप, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में मनता है। उत्तरायण गुजरात राजस्थान में देखने को मिलेगा। मकर संक्रांति काफ़ी फेमस है, ये ज़्यादातर नॉर्थ में भी इसको मनाते हैं, ये महाराष्ट्र और एमपी में है। यहाँ पे देख लीजिए मकर संक्रांत और ये बिहार झारखंड की है। फिर किचेरी बनता है उत्तर प्रदेश में। और माघ बिहू आसाम नॉर्थ ईस्ट का है। ये पौष संक्रांति ये वेस्ट बंगाल में है। मकर संक्रांति उड़ीसा में भी है। पेद पंदुया ये आंध्र प्रदेश का है। पोंगल जो है, पोंगल काफ़ी फेमस है ना तमिलनाडु का। और मकर विलाक्कू ये केरला का है। मकर एंड संक्रमण ये कर्नाटका का है। तो ये कुछ हमने बात करी और जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं इंडिया के अंदर, उसी के साथ ख़त्म होता है ये लेक्चर भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे हमें पता ही है, और बाकी ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप को भी ज्वाइन ही कर लेंगे अगर मन करेगा तो। और वीडियोस को फेसबुक पे चलाते चलाते देखेंगे तो है ही है, तो जब देखें तो सिर्फ आईएस के पेज को लाइक भी कर दें। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉलो करिए, किसने रोका है आपको। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, लव यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर।